अपने पति से अलग रह रही डिप्रेशन की शिकार विवाहिता ने धोलाभाटा क्षेत्र स्थित पीहर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। मृतका पुष्पा के पिता हरी सिंह ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी जयपुर के रहने वाले हुकुम चंद से हुई थी, जो कारपेंटर का काम करते हैं। अज्ञात कारणों के चलते दोनों के बीच 5 साल पहले मनमुटाव हुआ और दोनों अलग हो गए, जिनका कोर्ट में केस भी चल रहा है। दोनों के 2 बेटियां थी, दोनों ने एक एक अपने पास रख ली। इसी कारण बेटी पुष्पा अवसाद में चल रही थी और जिसके चलते बीती रात घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस संबंध में पुलिस जांच में जुटी है। मेरे बच्चे की शादी मतलब 10 साल हो गए, 10 साल और कोर्ट केस चल रहा था। हुकुम चंद जी नाम है उनका, मतलब पति का नाम, और कारपेंटर वर्क कर रहे थे। डिप्रेशन में रहती थी, जयपुर में रहते हैं वो, डिप्रेशन में चलती थी उसी कारण। मतलब आपके पास उसका भाई? हाँ, मेरे पास तो 5-6 साल हो गए जब से कोर्ट केस चल रहा, मतलब डिप्रेशन में। हाँ, डिप्रेशन में रहती थी, कोर्ट केस की वजह से तारीखें जैसे पड़ती रहती तो उस। बच्चे बच्चे भी हैं उनके? हाँ, 2 लड़की है, 1 लड़की उनके पास है, 1 हमारे पास है छोटी वाली। वो लड़की को भी उसकी दादी झगड़े को करके ले गई। कब की घटना है, कब उन्होंने? काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, मतलब 5-1 साल को लेके गए थे। फांसी कहाँ लगाई उन्होंने? अपने घर पर। किस जगह? डॉक्टर विजय के पास में, आनंदपुरी धोलावटा। आपका नाम बता दें? हरी सिंह। दीदी का क्या नाम? पुष्पा।